8 दिसंबर है दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है। सुबह के 11:30 के आसपास का टाइमिंग हो रहा है। हमेशा की तरह बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है और ये जो हाइलाइटेड जोन आपको नजर आ रहा है ना, ये हाइलाइटेड जोन कई बार बैंक निफ्टी ने रेसिस्ट कर चुकी थी बैंक निफ्टी, एंड देन फाइनली जाके एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल के साथ उसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया था। सो जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थे वो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की संभावना है और उसी का हम फायदा उठाते हुए यहाँ पे स्कैल्पिंग आज के दिन पे करने वाले है। सो यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे 42,900 की कॉल हम एड करके रखते हैं, देखते हैं उसका क्या रेट चल रहा है। एक्सपायरी है तो थोड़ा सा अंदर हमें जाना पड़ेगा। जी नहीं दोस्तों, 43,000 की कॉल मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। हाँ जी, 420 का रेट चल रहा है इसका। सो हमेशा की तरह 300 क्वांटिटीज हम बाय करने वाले हैं, लेकिन बाय वगैरह कब करेंगे, जब वो नीचे रिटेस्ट करने के लिए आएगा तभी हम बाय करेंगे दोस्तों। 2 मिनट के बाद बैंक निफ्टी ने एक नया डे हाई कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ वहां पे उसने क्लोजिंग दी है। सो यहाँ पे रेट अभी ऑलरेडी महंगा हो चुका है और उसने कम से कम आई थिंक 20 या 25 पॉइंट की बड़ी कैंडल गिराई है। तो इतनी बड़ी कैंडल गिरने के बाद हमें बाय बिल्कुल भी नहीं करना होता है दोस्तों। थोड़ी देर इंतजार करेंगे, जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहां पे हम कॉल्स को बाय करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ब्रेकआउट हुआ इसका मतलब यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकल जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। भाव को थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। थोड़ा देर मतलब थोड़े समय और इंतजार कर लेते हैं दोस्तों। ये आई थिंक आ सकता है नीचे। देखो ये जो ट्रेंड लाइन इस तरह से दिखाई दे रही है ना, मतलब इसको फुलफिल करने के लिए, 3 टचेस करने के लिए जब वो नीचे आएगा तो उस वक्त हम कॉल्स में एंट्री करेंगे दोस्तों। थोड़ी देर अभी इंतजार करते हैं। एंड 2 या 3 मिनट के बाद बैंक निफ्टी उस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए नीचे आते हुए मुझे नजर आ रही है दोस्तों। तो इस तरह से है ना, ट्रेड का प्री प्लानिंग आपको करने के लिए आना चाहिए। जैसे ही आपको दिखता है ब्रेकआउट हुआ है, तुरंत वहां पे कूदना नहीं है, बाय नहीं करना है। अगर ये इस वाले जोन में आता है ना, जो कि आ ही चुका है ऑलमोस्ट, तो काफी अच्छा रेट हमें मिलेगा। चलो आई थिंक यहाँ पे बाय कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि उसने 3 बार ट्रेंड लाइन को टच किया है। 22 सेकंड और बचे हैं कैंडल को खत्म होने के लिए और अंदर खींचने की भी कोशिश कर रहा है वहां से। एक्चुअली काफी अच्छी मोमेंटम है, चलो यहाँ पे बाय करना उचित रहेगा अभी। सो देखो 422-24 का जो माल था वो हमने 417 में उठाया है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देता हूँ कि मैंने 43,000 की जो कॉल है वो बाय करके रखी है दोस्तों। तो ठीक है, मैंने मोबाइल से तो अपडेट दे दिया है। अभी टारगेट की अगर हम बातें करें तो 20 पॉइंट हमें स्कैल्पिंग के लिए कैप्चर करने होंगे, जो कि 38 के आसपास होंगे। उसको हम 418 कंसिडर करेंगे। सो 20 पॉइंट्स अगर ऐड करते तो 438 का टारगेट आप लोगों के सामने सिस्टम में मैंने प्लेस कर दिया है। करंटली देखा जाए तो 700-500 रुपीज के प्रॉफिट में हमारा ये ट्रेड चल रहा है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों। सुबह से देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में चलते जा रही है और उसी का यहाँ पे मैंने फायदा उठाने की कोशिश करी है, क्योंकि उसने ब्रेकआउट दिया है। करीबन आधे पौने घंटे से एक रेंज में थी, उसका ब्रेकआउट मिला है, मल्टीपल कंफर्मेशन है और उसके बाद रीटेस्ट के समय हमने वहां पे एंट्री ली है दोस्तों। सो ये देखो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये इमेज आ रही है ना, इस तरह से मैं एडवांस में बैंक निफ्टी की एनालिसिस डेली बेसिस पे करता हूँ और मेरा खुद का ट्रेड जो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका एग्जीक्यूशन करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया करता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको इस एनालिसिस को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी दोस्तों। सो यहाँ पे कहीं पे 11:34 का ही आई गेस था ना वो, हाँ 11:43 को हमने एंट्री करी है, मतलब करीबन यहाँ पे कहीं पे। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको कहाँ पे प्लान करना है। सो रिसेंट स्विंग लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कर सकता हूं, एंड ये नया हाई अगर करने जाएगा तो करीबन यहां तक बड़ी आराम से आ सकता है। फिलहाल 1:1.1 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। जैसे जैसे बैंक निफ्टी हमारे फेवर में आएगी हम रिस्क को कम करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इस वाले ब्रेकआउट पे मैंने क्यू ट्रेड लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े वाले टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो ये वाला यहां से यहां तक का जो जोन था, ये जोन पूरा का पूरा रेसिस्टेंस का जोन था। देखो दोस्तों वहां के मतलब उस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी
कई टाइम से नहीं जा पा रही थी और पिछले वाली जो ग्रीन कैंडल है उसने उसका ब्रेकआउट किया एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने बाय साइड यहाँ पे प्रीफर किया है। सो आज के दिन पे बैंक निफ्टी 43,500 का एरिया बड़ी आराम से क्रॉस करेगी और उससे पहले पहले हमने हमारा टारगेट का प्लेसमेंट किया है। इतना ही सिंपल होता है दोस्तों, प्राइस एक्शन की स्टडी करके आपका एक व्यू बनाना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना दोस्तों। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन दिस ट्रेड इज लुकिंग वेरी एंड वेरी मच हाई। मैं आज एक्सपायरी का भी दिन है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा हमें मतलब क्विक एक्शन लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इतना तो जरूर श्योर हूं कि आज के दिन पे जो ये रेंज में जो बैंक निफ्टी फंसी हुई थी ना, एक बार आई थिंक आज के दिन पे 43,500 का एरिया वो क्रॉस करने में कामयाब होने वाली है दोस्तों। जैसे ही इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी कोई एक मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती है ना दोस्तों, तो हमारा जो स्टॉप लॉस फिलहाल हमने यहाँ पे मेंटेन करके रखा है उसको हम एटलीस्ट मतलब ये वाले जोन तक लेके आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन कब करेंगे, जब उसको मतलब जो ऊपर का जो हाइलाइटेड एरिया है वो उसके ऊपर क्लोज होना काफी जरूरी है दोस्तों। अभी फिलहाल हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है इस ट्रेड में, देखते हैं दोस्तों ये वाला ट्रेड अभी हमारा किस तरह से परफॉर्म करता है। एंड आफ्टर 10 मिनट के बाद पिक्चर पूरी चेंज हो चुकी है दोस्तों। बैंक निफ्टी नीचे आ चुकी है, मैंने जो हाइलाइटेड जोन ऊपर ड्रॉ करके रखा है उसके ऊपर कोई भी एक मिनट की कैंडल क्लोज करने में बैंक निफ्टी कामयाब नहीं रही है अब तक, और अब हम आ चुके हैं हमारे स्टॉप लॉस के काफी नजदीक। लेकिन अभी फिलहाल जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है वो एक सपोर्ट का जोन है, वहीं से ब्रेकआउट हुआ था, तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वहां से एटलीस्ट वो एक बार अप मूव के लिए आएगी। उस वक्त हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इस ट्रेड में रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हम स्टॉप लॉस के काफी नजदीक आ चुके हैं, एंड क्या ये वाली कैंडल हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएगी? बिल्कुल नजदीक है दोस्तों, हम हमारे स्टॉप लॉस से बिल्कुल मतलब बिल्कुल नजदीक 10,000 के आसपास, 11,000 के आसपास वहां पे हमारा नुकसान चल रहा है। देखते हैं अगर इस वाली कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया तो मैं वहां पे बिल्कुल रेडी बैठा हूँ, आप लोगों के सामने मैं लॉस भी बुक करने वाला हूँ दोस्तों। सो इस तरह से आपको ट्रेड को मैनेज करने के लिए आना चाहिए। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जा रहा है ना दोस्तों, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है दोस्तों। जैसे ही वो स्टॉप लॉस को हिट करेगा या फिर टारगेट को हिट करेगा, वहां पे ही आपको निकलना है दोस्तों। कई सारे लोगों को ये मतलब ठीक नहीं लगता होगा कि मैं कैप्चर सिर्फ 20 पॉइंट करता हूँ और मतलब जब मैं खोता हूं तो उससे ज्यादा होता है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है ना दोस्तों वो 85-90% है। सो मैं अगर 10 ट्रेड लूंगा तो उसमें से 8 ट्रेड तो मेरे सही जाते ही है। सो मतलब मुझे उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि अगर मेरे 2-3 ट्रेड फेल भी हो जाते हैं तो। सो ये देखो एग्जैक्टली हमारे स्टॉप लॉस को मतलब उसने बचाया है अभी तक, तो ऐसे ही मुझे नजर आ रहा है। तो इससे आपको क्या सीख मिल सकती है कि स्टॉप लॉस एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे कोई रिटेलर ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। देखो दोस्तों अभी पिछली जो रेड कैंडल थी उसका ऑलमोस्ट 50-70% पार्ट जो है वो ये जो दो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है उन्होंने कवर तो कर लिया है दोस्तों। बैठेंगे हम, हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे, देखते हैं दोस्तों। एंड वहां से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है दोस्तों। आई थिंक वहां पे रिटेलर लोगों को ट्रैप किया गया है, जिन्होंने भी सपोर्ट के नीचे शॉर्ट किया होगा दोस्तों वो वहां पे ट्रैप हो चुकी है। अभी इस जोन के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, मैंने स्टॉप लॉस को ऑलरेडी ट्रेल करके रखा है, आपने देखा ही होगा इस वाले कैंडल के आसपास मैंने अभी मेरे स्टॉप लॉस को रखा है, उसको हम और भी ऊपर लेके आएंगे जैसे ही वो हाइलाइटेड जोन के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर देती है। आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों कि आज बैंक निफ्टी जरूर और जरूर 43,500 का जो एक एरिया है उसको ब्रेक करने की मतलब क्षमता रखती है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। कोई भी ऐसे वाले दिन पे ना मतलब लोगों की जो साइकोलॉजी होती है ना, ऑप्शन सेलर्स वगैरह काफी सारे लोगों ने वो एक राउंड फिगर भी है 43,500 का, तो काफी सारे लोगों ने वहां पे ना कॉल्स शॉर्ट करके रखी होगी दोस्तों। मैं वीडियो तो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप पूरे मार्केट में रहोगे तो देखना एट द एंड ऑफ द डे जितना मैं इस मार्केट को पढ़ पा रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं यहाँ पे कुछ ये वाले जोन पे, ठीक है, तो हम निकलने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। तो जितना इसमें मार्केट को पढ़ रहा हूं ना दोस्तों, मुझे ये नजर तो आ रहा है कि आज के दिन पे जरूर जरूर एटलीस्ट वहां पे क्लोजिंग कर ही देगा दोस्तों। अभी थोड़ी देर चलने देते हैं इस ट्रेड को, मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। एंड फाइनली यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने आई है और उसने कर भी दिया है। चलो मुझे यहाँ पे निकलना होगा, देखो दोस्तों
मैं आशा कर रहा था कि ऊपर के साइड पे क्लोजिंग हो जाए, लेकिन इसने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी पोस्ट कर देता हूँ, वहां पे मेंबर लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने लॉस बुक कर लिया है। दोस्तों आज भी जो हमने काम किया उसमें भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ही कंसेप्ट था। दोस्तों आज सुबह से अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी एक अच्छे से अप ट्रेंड में थी। दोस्तों भले ही निफ्टी ना हो लेकिन बैंक निफ्टी एक अच्छे अप ट्रेंड में थी। बाद में उसने एक जोन बैंक निफ्टी ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे से बना के रखा हुआ था, वहां पे मुझे उसका एक ब्रेकआउट नजर आया, लेकिन ब्रेकआउट होते ही मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो कैंडल आई थिंक 30-35 पॉइंट्स की कैंडल बनी थी। सो आज के ट्रेड के बिहाइंड क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या मेरी साइकोलॉजी थी। सबसे पहला रीजन ये था कि उसने एक ब्रेकआउट देके अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग देके रखी हुई थी। रीजन नंबर टू आज के ट्रेड के बिहाइंड ये था कि मैंने वहां पे एंट्री नहीं की थी। दोस्तों टेक्निकल टर्म्स में बारीकी से और ध्यान से देखना ये सारे कंसेप्ट को। टेक्निकल टर्म्स में या फिर टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस होते हैं ना दोस्तों, ब्रेकआउट जब सक्सेसफुल हो जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, मैं बैंक निफ्टी की ये बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो अब की बार जब वो नीचे आएगा ना तो प्रीवियस रेसिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की एक संभावना होती है। और ज्यादातर केसेस में ना कोई भी अगर मेजर ट्रेंड जो चल रहा है उसी ट्रेंड के आसपास मतलब वो सपोर्ट मतलब लेता है और उसी ट्रेंड को वो रिज्यूम करता है, सो प्रोबेबिलिटी हाई होती है दोस्तों। सो मैंने क्या किया, सेकंड कंफर्मेशन ये लिया कि जब वो रीटेस्ट करने के लिए आया तो मैंने बाय किया। साथ ही साथ मैंने वहां पे और एक सपोर्ट देखा था, अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा होगा तो मैंने एक इस प्रकार के ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी वहां पे ही था, दो बार उसने टच करके रखा था। जब वो इस एरिया को रिटेस्ट करने आया तो ट्रेंड लाइन को उसने थर्ड टाइम सपोर्ट किया था। सो मुझे मेरे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वाला भी जोन था। और फोर्थ रीजन एक साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्तों, वीडियो को रिवाइंड करके देखना। मैंने क्या बोला था, 43,500 का ये जो एक एरिया है या फिर ये जो एक फिगर है, एक राउंड फिगर है, और जो वीकली बेसिस पे जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो इस राउंड फिगर पे मतलब जो होता है ना उसकी कॉल्स उन्होंने जरूर शॉर्ट करके रखी होगी, तो वहां पे एक अच्छी मतलब रैली मुझे आज के दिन पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैंने 8,000 का मतलब 8,000 का लॉस बुक किया है, बट मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ नया इससे जरूर सीखा होगा। तो रीजन नंबर 4 ये था कि एक वो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास था, तो वो ट्रेंड जो चल रहा था यहाँ पे थोड़ी देर स्पेंड करने के बाद वो उसको रिज्यूम करेगा, ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी या फिर एक प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही मतलब ट्रेडिंग की जाती है। कंफर्मेशन या फिर आपने सुना होगा कि ये श्योर शॉट कॉल है या फिर मतलब जैकपॉट है, जैकपॉट और श्योर शॉट ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ट्रेडिंग ये एक डिसिप्लिन, लोगों का बिजनेस है दोस्तों, तो उसको आपको डिसिप्लिन के साथ ही फॉलो करना है। मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने वहां पे मतलब एग्जिट ले लिया। अभी यहां से बैंक निफ्टी भले ही 43,500 43,600 जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैंने लॉस पे किया, गलती इस ट्रेड में कोई भी मेरी गलती नहीं थी, मैंने एक अच्छी से स्टोरी बना के रखी थी, लेकिन वोलाटिलिटी की वजह से मान लो या फिर आज एक्सपायरी होने के कारण मान लो मेरा स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया है। कई सारे लोग बोलते हैं कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड खराब है, तो मैं आपको मतलब इनविटेशन देके बुला तो नहीं रहा हूँ कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी उसी को फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो इमेज पोस्ट करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ होती है एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों, कि मैं बैंक निफ्टी में किस तरह से एनालिसिस करके रखा हूँ, और वहां पे मैं ये मेंशन करता हूँ कि मैं आज के दिन पे कॉल्स को बाय करने वाला हूँ या फिर पुट्स को बाय करने वाला हूँ। वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि वहां पे आप आपका भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आपको अंदाजा आ सके कि एक स्टडी करने के बाद ट्रेड का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है और ट्रेड का एग्जीक्यूशन करने के बाद उसकी मैनेजमेंट किस प्रकार की जाती है, उसके लिए मैं करता हूँ। वहां पे आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वहां पे मैं आपको डेली बेसिस पे कोई टिप प्रोवाइड करने वाला हूँ, टिप वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको स्टडी करने में या फिर एजुकेशन नॉलेज लेने में कोई इंटरेस्ट है तो ही उस टेलीग्राम चैनल के मेंबर बनना दोस्तों, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आज के दिन पे आपने कुछ ना कुछ मेरे इस लॉस से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो मैं आपको एनकरेज करूंगा सीखने के पर्पस के हिसाब से उसको ज्वाइन करो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखना। अभी हमारी फिर कल मुलाकात होगी और एक लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।